नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। लंबे अरसे के बाद 10वीं और 12वीं के बाद दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट स्कूल आज से 9वीं और 11वीं की क्लास के लिए भी खुल गए हैं। सुबह सुबह स्कूल पहुंचे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। स्कूल खुलने के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी स्कूल का दौरा किया है और बच्चों के साथ बातचीत की। खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में स्कूल रीओपन हुए हैं। देश भर में कोरोना का कहर अब थमता हुआ नजर आ रहा है, जिसे एक तरफ आर्थिक गतिविधियां भी अब जोर शोर से शुरू हो रही है, तो वहीं धीरे धीरे अब बच्चों की पढ़ाई के मद्देनजर स्कूल भी खोले जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों के साथ ही दिल्ली ने 5 फरवरी से 9वीं और 11वीं क्लास के लिए स्कूल खोल दिए हैं। स्कूल खुलने के बाद उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय पहुंचकर बच्चों से बात की। वहीं बता दें कि दिल्ली में कॉलेज, डिग्री और डिप्लोमा इंस्टीट्यूट भी खुलने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही छात्र कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं और स्कूल आने से पहले छात्र अपने अभिभावकों का अनुमति पत्र भी लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में कुछ नियम भी बनाए गए हैं जिन्हें जानना जरूरी है। स्कूलों को रिजल्ट अवार्ड लिस्ट डिजिटली जारी करना होगा। इसी क्रम में स्कूलों को निर्देश दिए जाते हैं कि अकादमिक सत्र 2020 से 21 के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के विषय कॉम्बिनेशन, छात्र और विषय शिक्षक के लिंकेज के लिए 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ऑनलाइन लिंक खोला जा रहा है, जिसे स्कूल प्रमुख, परीक्षा इंचार्ज, कक्षा अध्यापक 3 चरणों में पूरा करेंगे। ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं बच्चे। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 18 जनवरी से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि विद्यार्थियों के लिए स्कूल आना अनिवार्य नहीं था, वे चाहें तो अब भी ऑनलाइन कक्षाएं ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।